तो नहीं जा पा रही। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड कि किस तरीके से घर पे रखे हुए चीज़ों से, केवल दो चीज़ों से बर्तन को साफ़ करते हैं। पीतल और तांबे के बर्तन को हम किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं घर पे, और पूजा के बर्तन हैं ये मेरे, तो मैं आज इसको साफ़ करूँगी। तो केवल घर में रखी चीज़ों से, दो चीज़ों से, दही और नींबू से मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, और बिल्कुल नए जैसे साफ़ हो जाएंगे मेरे बर्तन ये। तो आप देख सकते हैं कि ये जग वगैरह कितना गंदा हो गया है, किस तरीके से काला हो गया है, और इस तरीके सारे बर्तन मेरे हो गए हैं, देखिए पीले हो गए हैं। लोटा वोटा कितना गंदा हो गया है, मांजते हैं लेकिन फिर भी साफ़ नहीं होता। तो इसके लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, और ये है दही फ्रेंड मेरा, जो कि ये काफ़ी खट्टा है फ्रेंड। एक हफ्ता हो गया है दही को मैंने खट्टा किया है रख के, तो ये दही खट्टी हो गई है मेरी। और इसमें मैं डालूँगी एक नींबू, एक नींबू का रस डालना है, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, और देखना फिर कितना अच्छा बर्तन साफ़ होता है इससे। तो मैंने यहाँ पे दो एक नींबू को दो टुकड़े करके, और यहाँ पे मैंने नींबू को डाल लिया है। और फ्रेंड डालने के बाद में चम्मच से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं, कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है, कोई पाउडर की ज़रूरत नहीं है बर्तन साफ़ करने के लिए। मुझे घर में ही मिल जाती हैं ये सब चीज़ें, तो घर की चीज़ों से ही हम बर्तन को साफ़ करते हैं फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा नींबू जो था तो उसको मैं रगड़ दे रही हूँ इस तरीके से, तो इसका भी देखिए कितना मतलब वो हो रहा है कि देखिए हल्का सा ही नींबू रगड़े हैं, लेकिन फिर भी इसका देखिए चेंज हो गया है लुक। तो यहाँ पे मैं दही लूँगी, और जो मिक्स किया है नींबू, तो मैं इस तरीके से इस पर लेप के जैसा लगाती जाऊंगी, इसको ढक दूंगी, मतलब पूरा दही से, दही और नींबू से ढक के इस सारी चीज़ सारे बर्तन में मुझे इसी तरीके से नींबू को लगा लेना है, नींबू और दही को लगाना है फ्रेंड। तो ये मैंने देखा है, आप सबको दिखाया है कि ये जो गिलास है छोटी वाली पीतल की, ये फूल की है, सॉरी ये गिलास मेरा फूल का है, फूले का बर्तन तो आजकल कहाँ मिलता है देखने को, तो यही फूल का गिलास है ये। तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये जग है, जग का ढक्कन है। तो देखिए अभी लगाते ही कितना अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है हमको। तो इस तरीके से मैं सारे बर्तन पे लगा के ले ढक देंगे सारे सारे बर्तनों को इस तरीके से, और 15 से 20 मिनट हमको रखना है फ्रेंड इसको लगा के इस तरीके से। उसके बाद में फिर दिखाते हैं आपको इसका रिजल्ट। ये जग है, जग को भी हम इसी तरीके से लगा देते हैं, दही का लेप पूरे बर्तन में और अंदर तक ही हम लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से, और अंदर भी आप देख सकते हैं कि जग मेरा कितना वो हो गया है, जैसे लग रहा कि बहुत ही पुराना है। तो मैं इस तरीके से अंदर तक लगा के रख दी हूँ, और ये दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये प्लेट है पूजा की मेरी। तो इस तरीके से मैंने सारे बर्तनों पे दही का लेप लगा दिया है, और मैंने ढक दिया है दही से सारे बर्तनों को, और इसके बाद में सारे बर्तन को एक साथ रख के, और फिर मैं छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के बाद, देखते हैं फिर क्या होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, जाइएगा नहीं कहीं। तो इधर देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन को साफ़ करने के लिए फिर से। तो बस देखिए मैं एक हल्का सा बर्तन धुलने वाला ली हूँ, और उसी से थोड़ा सा बस इस तरीके से घुमा दे रही हूँ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसमें
ताकत और जोर नहीं लगाना है, केवल बस धर के घुमा देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये चमक गया है। और इसी तरीके से मैं सारे बर्तन को धुल लूँगी और लोटे को भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप अभी देखे थे लोटे का दशा क्या था और इस समय कैसा हो गया है, ये भी आपको दिखा दे रही हूँ अभी। तो देखिए लोटा भी मेरा एकदम नया जैसा हो गया है, बाहर से अंदर तक सारा साफ हो गया है इस तरीके से। तो सारे बर्तन को फ्रेंड मैं इस तरीके से कर ले रही हूँ साफ। सारे स्टेप इसी तरीके से चलेंगे फ्रेंड और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो देखिए इधर मेरे सारे बर्तन साफ हो गए हैं और जैसा कि आप देख ही सकते हैं रिजल्ट इसका कि केवल घर में रखे दो चीज़ों से लोटा भी कितना गंदा हो गया था, बहुत ही जैसे लग